भारत के कई राज्यों में एक साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की न्यू लिस्ट आ चुकी है। तो जिन भाइयों को बहुत ही दिनों से इंतज़ार था कि मेरा कब लिस्ट में नाम आएगा, तो यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है। तो आप बिल्कुल घर बैठे अपने ही मोबाइल से इसे चेक कर सकते हैं कि आपका नाम इसमें है या फिर नहीं है। भारत के आप किसी भी राज्य से हों, यहाँ पर सभी राज्यों में लिस्ट न्यू लिस्ट जारी कर दी गई है। तो आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, इसे आप मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर बताऊंगा कि इसे डाउनलोड करके पीडीएफ के रूप में आपको अपने मोबाइल में सेव कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर आपको pmayg.nic.in लिखकर यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है और इसे डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है, तब कि आपका जो मोबाइल है उसे आप स्क्रीन है उसे आप जूम कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐड को यहाँ से स्किप करना है, यहाँ पर आपको थोड़े नीचे चले जाना है। जैसे आप यहाँ पर थोड़े नीचे जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा आवास शॉप, इस पर क्लिक करना है। एक और ऑप्शन दिखाई देगा रिपोर्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ई सेक्शन दिखाई देगा। इसी तरह से यहाँ पर आपको ई सेक्शन पर चले जाना है, ई सेक्शन का जो चौथे नंबर का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। कैटेगरी बेस SECC डाटा वेरिफिकेशन समरी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर यदि आप मध्य प्रदेश से, राजस्थान, जहाँ से भी हैं, तो भारत के आप किसी भी राज्य से हैं, तो यहाँ पर अपने राज्य का नाम सबसे पहले आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। राज्य का नाम जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद जो भी आपका ज़िला है तो यहाँ पर आप ज़िले को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो भी आपकी यहाँ पर तहसील है तो आपको यहाँ पर सिंपली तहसील को सिलेक्ट कर लेना है। तहसील को जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद जो भी आपकी ग्राम पंचायत है उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर एक बार और बता देता हूँ आपको, ताकि आप कभी भी इसे ना भूलें। सबसे पहले आपको अपने राज्य का नाम, इसके बाद अपने ज़िले का नाम, इसके बाद अपनी तहसील का नाम, इसके बाद आपकी जो भी ग्राम पंचायत है या फिर आपका जो भी गाँव है उसे आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, जो आपका कैप्चर कोड है यहाँ पर अपना कैप्चर कोड आप लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर इस तरह से आप कैप्चर कोड लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आवास योजना की बिल्कुल न्यू लिस्ट है यहाँ पर निकल कर आपके सामने आ चुकी है। तो यहाँ पर इसमें बहुत सारे नाम आए हुए हैं, तो इस तरह से आपको अपने मोबाइल से चेक कर लेना है। आपका जहाँ पर भी नाम है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा, बेनिफिकेशरी नेम दिखाई देगा, यहाँ पर फादर का नाम दिखाई देगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ। और आप चाहते हैं कि इस लिस्ट को हमें बार बार ना निकालना पड़े मोबाइल से, इसलिए हमें सेव करना है अपने ही मोबाइल में, तो आपको यहाँ पर थोड़े ऊपर जाना है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, तीन में से जो रेड यहाँ पर ऑप्शन है आप देख सकते हैं डाउनलोड PDF, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से, तो आपके मोबाइल में ये PDF के रूप में सेव हो जाती है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसे कुछ भी नाम देना है और इसे सेव कर सकते हैं आप अपने ही मोबाइल में। तो इस तरह से आप आसानी के साथ ही यहाँ पर लिस्ट निकाल सकते हैं। ऐसा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकॉन है उसे दबाकर आप सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहें। और यदि आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको ज़रूर ही रिप्लाई दूँगा।